हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज नेचर सीन। तो हम एक लैंडस्केप शो कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम दूर और पास का डिफरेंट शो करेंगे, है ना। तो हम अपनी जो रिवर है वो भी इसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, और जो ट्रीज़ हैं वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जो सबसे आगे ट्री हैं वो थोड़े बड़े नज़र आएंगे, और दूर जाते हुए सारे ट्री हमारे छोटे हो जाएंगे, है ना। वन बाय वन वो स्मॉल होते चले गए हैं। तो बिल्कुल लाइट पेंसिल से हम यहाँ पर ट्री ड्रॉ करेंगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, सारे ट्री इसी तरीके से छोटे होते चले जाएंगे, और जो सबसे पास है वो सबसे बड़ा नज़र आएगा। और यहाँ पर हम एक सर्कल शो कर रहे हैं सन के लिए। तो आपकी ड्राइंग बहुत ही कम है इस लैंडस्केप में। अब हम कलर करने लगे हैं। तो ब्रश लेंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर लगाएंगे। वाटर ज़्यादा है और कलर हमारा कम है। तो यहाँ पर सेंटर में मैंने पिंक कलर शो किया है, और कॉर्नर में हमने स्काई ब्लू कलर शो किया है ना। और कलर हमने बिल्कुल ज़रा सा ही लगाया है, ज़्यादा हमने ब्रश में वाटर लिया है, क्योंकि हम वाटर कलर कर रहे हैं। तो जब भी हम वाटर कलर करते हैं वो थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, तो ये हमारा जो बेस कलर है, अभी हम सिर्फ बेस कलर लगा रहे हैं। तो बेस कलर बिल्कुल लाइट लाइट लगाएंगे। ट्रीज के बीच में भी हम यहाँ पर पर्पल कलर शो कर रहे हैं, ब्लू और पिंक को मिक्स करके। सभी जगह हमारा जो बेस कलर है वो हम अप्लाई कर देंगे। वाटर में हम यहाँ पर ब्लू कलर लगा रहे हैं, वाटर के लिए जितना भी लैंड एरिया है वो भी हम ग्रीन करेंगे। तो ये हमने हल्का हल्का कलर लिया है, और सारा कलर हमने किससे, वाटर से स्प्रेड किया है। ट्रीज में भी हम लाइट ग्रीन कलर लगा देंगे। और आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करना होगा। तो आपका जब ये कलर, एक कलर आपका सूख जाए तभी आप अपना दूसरा कलर अप्लाई करिएगा। ओके, वो ये ड्राई होने का आपको वेट करना है, तभी दूसरा कलर लगाना है। ये ड्राई हो गई है हमारी शीट। अब हम यहाँ पर एक साइड पे डार्क ग्रीन कलर शो करेंगे ट्रीज में। सभी ट्रीज में हम एक साइड पर डार्क ग्रीन कलर शो करेंगे, और डार्क ग्रीन कलर लगाने के बाद हम इसको सेंटर में स्प्रेड करेंगे, लेकिन पूरा हम इसको फिल नहीं करेंगे। सभी ट्रीज में हम सेम चीज रिपीट करेंगे। एक साइड पे डार्क ग्रीन कलर कर रहे हो, और अगर आपके पास डार्क ग्रीन कलर नहीं है तो आप लाइट ग्रीन में ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। हमारी एक ट्रीज में एक साइड डार्क रहेगी और एक साइड लाइट रहेगी, क्योंकि सभी ट्रीज पर एक साइड से क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है। तो सनलाइट शो करेंगे हम, इसीलिए हम वहाँ पर लाइट कलर करेंगे। यहाँ मैंने सनलाइट शो करने के लिए येलो कलर लगाया है। सभी ट्रीज में येलो कलर लगाएंगे। थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद अप्लाई करना। नीचे जो हमने लैंड एरिया बनाया है वहाँ पर डार्क ग्रीन कलर करेंगे, ग्रीनरी शो करने के लिए। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, इसी से हम ग्रीनरी शो करेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी फाइनल टच देंगे।
यहाँ वाटर के लिए ब्लू कलर हमने कर दिया है और ये अपना पर्पल कलर को हम थोड़ा सा टचअप और देंगे। आपने देखा होगा कभी कभी वेदर होता है पर्पल और पिंक कलर का, तो वही हमने शो करना है कि पिंक कलर हम ऊपर की ओर हल्का हल्का स्प्रेड कर रहे हैं। वाटर शो करेंगे यहाँ पर। ट्रीज हैं उनका भी रिफ्लेक्शन हमें वाटर में शो करना है। जो चीजें हमें दूर दिखानी है वो डार्क दिखानी है और जो पास है वो थोड़ी लाइट हो जाएगी। तो ये हमने अपने ट्रीज का रिफ्लेक्शन शो किया है। ग्रास शो करेंगे थोड़ा ड्राई होने के बाद। फिर से हम यहाँ पर सनलाइट शो कर रहे हैं, येलो कलर लगाएंगे। सभी ट्रीज में हम ब्राइट येलो कलर लगाएंगे सनलाइट शो करने के लिए। जितना भी डार्क कलर लगाएंगे ड्राई होने के बाद हल्का सा लाइट जरूर होगा, तो उसी हिसाब से आप अपने कलर की टोन यूज करें। रिफ्लेक्शन शो किया है। थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर अपने सन में फिल कर रहे हैं और एक ड्राई ब्रश लेंगे उसके बाद उसको बाहर की ओर स्प्रेड करेंगे ड्राई ब्रश से, जैसे हम शेडिंग में हैचिंग करते हैं। ऑरेंज कलर फिर से डार्क कर देंगे। अब हम एक पॉइंटेड ब्रश से डार्क ग्रीन कलर लेंगे और ग्रास शो करेंगे। हल्की हल्की आउटलाइन कर देंगे डार्क ग्रीन से, ब्लैक से नहीं करनी है हमें आउटलाइन, डार्क ग्रीन से ही करनी है और प्रॉपर आउटलाइन नहीं करनी, सिर्फ कहीं कहीं पे आपने डिटेल देनी।